कल वाला। नहीं तो आगे करें, आगे तो इतना ही है, थोड़ा कीबोर्ड है मसला आ रहा है। चले सामने को देखने ये दूर से देखते रहेंगे। अच्छा आज ना ये इनकी वेरिएबल्स बनाते हैं, जैसे इंटीजर वेरिएबल बनाना हमने, तो ये इंटे लिखेंगे, दोबारा रिवाइज करें, पहले भी हम देख चुके हैं। ठीक है, मतलब कि अगर हमें इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाना है तो उसके लिए इंटीजर टाइप यूज़ करेंगे। अब फ्लोट को हम यूज़ नहीं करेंगे, डबल टाइप बनाना है तो उसके लिए हम डबल कैरेक्टर टाइप लिखेंगे, डी लिख दिया हमने। ठीक है, इसी तरह से कैरेक्टर बनाना है तो उसके लिए चार लिखेंगे, उसके लिए मैं सी एच वेरिएबल बना लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग टाइप बनाना है तो स्ट्रिंग लिखेंगे, उसके बाद वेरिएबल का नाम आप दे देंगे, जैसे मैं लिखता हूँ एस टी आर। या फिर यहाँ पर अगर आप कोई बड़ा वेरिएबल देना है, जैसे मैं लिखता हूँ वाई एंड वार, तो इस तरह लिखेंगे। जैसे वेरिएबल नाम मैंने रूल बताए थे आप लोगों को, या तो अंडरस्कोर यूज़ कर लें या फिर इनको मिला के लिख दें, माई एंड वार, मैंने ये लिख दिया, वार का मतलब वेरिएबल। इसी तरह से मैं ये लिखता हूँ कि माई डबल वार, तो करो क्योंकि बार दफ़ा एक एक लेटर लिखते हैं ना, तो अक्सर समझते शायद इतना ही लिखेंगे, अगर एक बड़ा लिखना पड़ गया तो फिर कैसे लिखेंगे। फिर इस तरह से आपने लिखना है माई करेक्टर वार। ठीक है, इसी तरह से स्ट्रिंग है तो माई स्ट्रिंग वार, मैं स्ट्रिंग वेरिएबल। ठीक हो गया, और आखिरी है हमारे पास बूलियन, तो इसके लिए बूल लिखेंगे और माई बूल वार। ठीक है, माई बूलियन वेरिएबल हमने लिख लिया ना। तो ये ग्रीन लाइन का मतलब मैंने बताया था आप लोगों को क्या है, कि मैंने हमने एक चीज़ बना तो ली है, अभी तक उसे इस्तेमाल नहीं किया। हाँ जी, तो जो चीज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे, अगर बना लिया तो उसके नीचे इस तरह से आपके पास लाइन आती रहेगी। अब इसको कोई वैल्यू देते हैं इन सब वेरिएबल को, ये अभी तक हमने वेरिएबल बनाए हैं। अब जैसे हमने ये लिखा है, जब इस प्रोग्राम को चलाएँगे तो एक दो तीन चार पाँच, ये पाँचों के पाँचों वेरिएबल रैम के ऊपर बन जाएंगे। ठीक है, रैम के ऊपर एक जगह होगी जिसका नाम इस एक का ये होगा, दूसरी का ये, फिर तीसरी का ये, सो ऑन, इस तरह से उनके नाम बन जाएंगे। फिर अगर मैं लिखता हूँ, जैसे हमने लिखा हुआ माई इंट वार, और इसको इक्वल टू कर देता हूँ मैं 10, तो अब जो जगह बनेगी ना उस जगह पे जाके ये 12 स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से हमारे पास है माई डबल वार, तो इसको भी जो हम वैल्यू देंगे तो ये भी रैम के ऊपर जाकर उस जो लोकेशन बनेगी उसके ऊपर स्टोर हो जाएगा। आगे है माई करेक्टर बार, अब देखिए अगर इसके आगे मैं लिखता हूँ 12, ठीक है, तो एरर दे रहा है, क्योंकि ये करेक्टर वेरिएबल है तो इसको करेक्टर डाटा टाइप ही ले रहा है, करेक्टर के अलावा कोई नहीं ले रहा। तो करेक्टर आपको होता है कि सिंगल कोड के अंदर जो कुछ भी हम लिखेंगे वो करेक्टर बनेगा, मैंने जी लिख दिया इसके अंदर। उसके बाद है स्ट्रिंग का, स्ट्रिंग वार, अब इसको भी अगर मैं दे दूं करेक्टर दे दूं, तो भी एरर आ रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो जो वेरिएबल बनाया है वो स्ट्रिंग टाइप है और डाटा टाइप इसको दे रहे हैं हम करेक्टर, हाँ, तो इसलिए एरर आएगा। अगर मैं यहाँ पर इंट भी लिख दूं, तो भी एरर ही आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो हमारे पास वेरिएबल है वो है स्ट्रिंग और वैल्यू डाटा टाइप हम उसको दे रहे हैं कोई और, या वैल्यू जो दे रहे हैं वो कोई और दे रहे हैं। तो अब हम इसको क्या दे देते हैं, स्ट्रिंग। अब ठीक है, कोई एरर नहीं आ रही। ठीक है, अब आगे है हमारे पास माई बूलियन वेरिएबल। अब ये भी इसके साथ भी सेम ऐसा ही है कि ये सिर्फ ट्रू फॉल्स लेगा, इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं लेगा। मैं इसकी वैल्यू सेट कर देता हूँ फॉल्स, तो फॉल्स को ये सही रहेगा। अब अगर हमने इनको वैल्यूज़ को आउटपुट भी देखनी है, देखें अभी तक मैंने इनको वैल्यूज़ भी दे दी है, फिर भी इसके नीचे क्या आ रही है, लाइन आ रही है। अभी तक हमने इनको वैल्यूज़ दी हैं, उन वैल्यूज़ का इस्तेमाल नहीं किया। इस्तेमाल का मतलब कहीं पर मल्टीप्लाई करेंगे या डिस्प्ले करवाएंगे, तो कोई ऑपरेशन जब तक परफॉर्म नहीं करेंगे तब तक ये इस तरह से देता रहेगा। अभी देखें अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कंसोल
डार्ट राइट लाइन, और मैं यहाँ पर ले देता हूँ माई एंड के बाहर। तो अब माई एंड के नीचे से लाइन हट गई है, बाकियों के नीचे है। क्यों? क्योंकि अब ये हमने आउटपुट वाला काम कर लिया कि आउटपुट आएगी इससे, उसको पता चल गया कि आप इसका यूज़ आपने कर लिया। सेम इसी को मैं कॉपी कर रहा हूँ बाकियों के लिए। जस्ट यहाँ पर वाई डबल आर आ गया, यहाँ पर वाई वेक्टर वेरिएबल आ गया, वाई स्ट्रेन वेरिएबल आ गया, वाई पूल वेरिएबल आ गया। और एट द एंड आपने एक फंक्शन जो है वो लागू लिखना है, वो है कंसोल डॉट रीड की, ताकि आउटपुट हमें नजर है। अब मैं इसको यहाँ से स्टार्ट करता हूँ प्रोजेक्ट को। तो ये आउटपुट हमारे सामने आ गया, जो जो वैल्यूज हमने दी थी। फर्स्ट वन इंटीजर है, ये डबल है, ये ट्रैक्टर है, ये स्ट्रिंग है, और ये बूलियन है। तो इस तरह से ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। ऊपर से देख के नीचे तक चले गए, क्या क्या है वो देख लें, फिर आप आइडिया लगाएं। बहुत कुछ तो अब मिसाल के तौर पर हमने कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, इसको ज़रा मैं हटा देता हूँ, कुछ छोटा ही लिखता हूँ। जैसे पहले हम लिख रहे थे यहाँ पर भी ए और बी, ऑपरेटर्स हमने पढ़ लिए थे ना कल, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, वो तो नहीं करने लगे, दो करने लगे डिवीजन और मॉडुलस ऑपरेटर। देखिए अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन, डिवीजन ऑपरेटर के मैंने बताया था कि किस तरह से रिजल्ट देता है, कौन सा रिजल्ट देता है डिवीजन ऑपरेटर। हाँ तो सेम करेगा तो रिजल्ट कौन सा देगा, कौन सी वैल्यू रिटर्न करेगा? नहीं नहीं रिमाइंडर नहीं, क्वेश्चन देगा। ऊपर जो जवाब आएगा, दो वैल्यूज को डिवाइड करते हैं, ऊपर जो जवाब आना है वो देना है, उसको हम क्वेश्चन कहते हैं। ठीक है, क्यू यू ओ टी आई ई एन टी में लिखता हूँ क्वेश्चन। हाँ जी, उसको क्वेश्चन कहते हैं। एकदम क्वेश्चन इक्वल टू, तो यहाँ पर अभी हमारे पास ए डिवाइडेड बाय बी, ठीक है, ए के पास 12 है, बी के पास 3 है, तो आंसर इसका क्या आएगा? 4 आएगा। ठीक है, ये 4 है। अब इसी तरीके से यही लाइन में लिखते रहने देता हूँ, तो अब यहाँ पर है हमारे पास मॉडुलस ऑपरेटर, इसने कौन सा रिजल्ट देना है अब हमें? जो बकाया रकम रहेगी वो रिमाइंडर देगा। तो इस वक्त में 0 आएगा रिमाइंडर, क्योंकि कोई वैल्यू नहीं बचती, 0 ही बचता है। तो क्वेश्चन 4 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। तो जहाँ पर भी हमने अगर किसी दो नंबरों को तकसीम करते हैं और ऊपर वाला रिजल्ट हमें चाहिए, तो ये वाला ऑपरेटर यूज़ करेंगे डिवीजन ऑपरेटर, और अगर हमें रिमाइंडर चाहिए तो फिर ये मॉडुलस ऑपरेटर यूज़ करेंगे। वो सिचुएशन पर डिपेंड करता है ना कि कौन सा रिजल्ट हम लेना चाह रहे हैं, लेकिन पता हो कि अगर वो रिजल्ट लेना है तो कौन सा ऑपरेटर इस्तेमाल होगा। इसलिए इन दो का यूज़ हमने देख लिया, बाकी जो हमने तो नहीं यूज़ किया, प्लस मल्टीप्लीकेशन वगैरह। उसके बाद है
इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट छोटे छोटे हैं, पहले उनको देख लेते हैं। हाँ जी ऑपरेशन शुरू करते हैं। हाँ जी आउटपुट के लिए लाजमी है, अगर आउटपुट देखनी है तो, आउटपुट नहीं देखनी तो फिर लाजमी नहीं है। तो और लाजमी तौर पर जो भी हम प्रोग्राम लिखते हैं उसके लिए कोई ना कोई आउटपुट आएगी, ऐसे तो नहीं लिखते ना, तो इसलिए आउटपुट देखनी है तो कंसोल डॉट राइट लाइन लिखेंगे या राइट लिखेंगे। दो फंक्शन है, एक है राइट लाइन एक है राइट अकेला। राइट लाइन ये है कि ये लिखने के बाद जो है ना आउटपुट को या कंट्रोल को हमेशा नई लाइन पर मूव कर देता है। जो राइट है अगर हम राइट लिखते हैं तो वो सेम लाइन के ऊपर आउटपुट पर लिखता है। अभी देखिएगा फर्क, बाकी उनको नहीं लिखा मैंने, सिर्फ इन तीन को लिखा है। फोर जीरो परिमेंट दो दफा जीरो आएगा, चले अभी फिलहाल कुछ किया नहीं है। यहाँ पर मेरा सिस्टम यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि ये प्रोसेसिंग में थोड़ा टाइम लेता है, वापसी में भी टाइम लेता है। तो ये देखें एक लाइन में आ रहा है, पहले क्या था हर दफ़ा नई लाइन पे था, लाइन बना रहा था। हाँ जी नई लाइन बना रहा था। वैल्यू हमारे पास क्या है 12 है, जब इंक्रीमेंट होगा तो कितनी हो जाएगी 13 हो चुकी है। ठीक है अभी दोबारा मैं क्या करता हूँ इस स्टेटमेंट को कॉपी करूँ इन दोनों को, ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर का काम होगा कि एक का इंक्रीमेंट करेगा हमेशा प्लस प्लस, दो दफा लिखेंगे इंक्रीमेंट एक का होगा। और मैं यहाँ पर लिखता हूँ माइनस माइनस ए आफ्टर, यहाँ पर लिखते हैं डिक्रीमेंट, तो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू थी हमारे पास। तो ये देखो इंक्रीमेंट होने के बाद 13 गया और डिक्रीमेंट होने के बाद में हाँ जी ये 13 में से डिक्रीमेंट किया, 12 में से नहीं किया, ये याद रखना हमें। क्यों? क्योंकि यहाँ हाँ जी जो प्रोग्राम होता है ना वो चलता है लाइन बाय लाइन। ठीक है मतलब इस लाइन पर अगर आपने कोई चीज़ लिखी हुई थी उसके ऊपर तब्दीली की है तो अगर अगली लाइन पर जाकर उसको इस्तेमाल किया है तो उसकी ओरिजिनल वैल्यू नहीं रहेगी, अब तब्दील हो जाएगी जो ऑपरेशन आप करेंगे। हाँ जी फिर 11 आएगा, अगर हम ये वाला इंक्रीमेंट खत्म कर देते हैं तो फिर 11 आएगा। तो ये इसका हो गया। अभी हमारे पास थे और हमने पढ़े थे रिलेशनल ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है वो अभी नहीं पढ़ने लगे, वो हम अभी पढ़ते हैं आज कंट्रोल स्ट्रक्चर। उनका मोस्टली इस्तेमाल आता है कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर, इफ एल्स इफ स्विच के अंदर, तो उनके अंदर इस्तेमाल आता है, तो वहीं पर उनका वाजे लग रिजल्ट वाजे आता है। यहाँ पर अगर हम करें ना तो एक तो डायरेक्ट उस तरीके से नहीं होगा जिस तरह से हम यहाँ पर कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर अभी मैंने एक वेरिएबल बनाया हुआ है बूलियन बाई, सिंपल मैं आपको करके दिखाता हूँ बाई बूल वार, और इक्वल टू मैं करता हूँ क्या ए ग्रेटर देन बी है। ठीक है चले मेरे ख्याल में चल रहा है तो चला लेते हैं। तो यहाँ पर आके हम देखते हैं बाई बूल वार, क्योंकि मैंने आपको बताया था लॉजिकल और रिलेशनल ऑपरेटर जितने भी हैं ना वो ट्रू फॉल्स की सूरत में रिजल्ट देते हैं। अब अगर ए बी से बड़ा है तो ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। अगर हम फिर भी देख लें यहाँ पर तो ए वाकई बी से बड़ा है तो रिजल्ट हमारे पास ट्रू आना चाहिए। तो ट्रू आ रहा है। ठीक है अभी अगर मैं इसको उलट देता हूँ कि मैं इसको लेस देन कह देता हूँ तो ए लेस देन नहीं है बी से, इसलिए क्या रिजल्ट आएगा इसका फॉल्स आएगा। फॉल्स आ रहा है ये और
सही लग रहा है या खराब लग रहा है? तो अब ये फाज आया यहाँ पर, अभी देखें दोबारा उसके बाद आ जाते हैं ग्रेटर देन, क्योंकि दो ऑपरेटर हमने पढ़े थे ग्रेटर देन और इक्वल। अब देखें इस सूरत में क्या रिजल्ट आएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कमेंट्स के अंदर कि ए हमारे पास 12 है और बी जो है वो हमारे पास 3 है। अब ये इस सूरत में रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा? हाँ जी, या की बार पे आ गया यहाँ पर भी, तो एक कंडीशन या में एक कंडीशन भी ट्रू हो तो चल जाता है। तो यहाँ पर एक कंडीशन ट्रू है कि ग्रेटर है, इक्वल नहीं है, ग्रेटर है, तो भी इसका रिजल्ट ट्रू ही आएगा, तो इसलिए मैं इसको चला नहीं रहा। तो अगर लेस लगा देते हैं तो अब फॉल्स ही आएगा, क्योंकि ना ही वो लेस है ना ही वो बराबर है, दोनों कंडीशन फॉल्स हो गए। तो आर के अंदर ऐसा ही होता है कि अगर एक कंडीशन भी ट्रू हो तो ट्रू, फॉल्स तभी आता है जब दोनों फॉल्स हो, तो इसमें दोनों फॉल्स होगी तो अब फॉल्स रिजल्ट आएगा कंडीशन। तो अब आगे था हमारे पास इक्वालिटी ऑपरेटर, ठीक है, डबल इक्वल। अब देखें क्या ए बी के बराबर है, नहीं है तो इसका फॉल्स रिजल्ट आएगा। चला के फिर भी हम देख लेते हैं, तो फॉल्स भी आ रहा, ठीक है। तो अब देखिएगा नॉट इक्वल टू का कमाल देखते हैं, जो नॉट ऑपरेटर होता है हमारे पास, या बल्कि अकेले नॉट का मैं दिखाता हूँ आपको, जो हमारा नॉट ऑपरेटर है। देखें अब इसका रिजल्ट क्या आएगा, जो ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा हुआ सिर्फ उसका फॉल्स आएगा, नॉट उसको क्या कर देगा, ट्रू कर देगा। अब देखिएगा अगर हम चलाते हैं तो ट्रू आएगा, हालांकि फॉल्स आना चाहिए था, लेकिन नॉट की वजह से क्या होगा, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि नॉट का काम ही उलट करना है। ये देखें ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू करेगा। अगर अभी देखें मैं सही कंडीशन लगा लेता हूँ, मैं कहता हूँ कि ए ग्रेटर देन आर इक्वल टू बी, अब रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा, लेकिन ये नॉट ऑपरेटर उसको फॉल्स कर देगा। सही को गलत और गलत को सही करता है, ये ऐसा करते क्यों हैं वो प्रैक्टिकल में जब हम करेंगे तब इससे लगेगा, ठीक है। कि बाद दफ़ा ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे हमें चेक लगाना होता है कि अगर रिजल्ट ट्रू आ रहा है तो उसको फॉल्स करो, अगर फॉल्स आ रहा है तो ट्रू करो। अकाउंटिंग के अंदर ये मोस्टली होते हैं वो चीज़ें जो मतलब कि बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स या लॉजिकल होती है ना, वहाँ पर ये ऑपरेटर काम आता है। तो ये आपके पास मतलब हमारे पास ग्रेटर देन भी हो गया, लेस देन भी हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया, लेस देन और इक्वल टू हो गया, नॉट भी हो गया, इक्वलिटी भी हो गया। अब एक और ऑपरेटर रह गया आखिरी, वो है नॉट इक्वल। मैं यहाँ पर ये लगाता हूँ कि ए नॉट इक्वल टू बी, तो अब रिजल्ट क्या आएगा, हम कह रहे हैं ए बी के बराबर नहीं है, बी के बराबर नहीं, हाँ जी, तो रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा फॉल्स आएगा? ये यहाँ पर अकेला नॉट नहीं है, ये आपने गौर करना है, यहाँ पर नॉट इक्वल है, अकेला नॉट लगाएंगे तो उलट काम करेगा, अब वो अकेला नहीं है, अब ये और ऑपरेटर हो गया, बदल गया ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर नहीं रहा, ये नॉट इक्वल ऑपरेटर है, ये अलग ऑपरेटर है उससे, ठीक है, सिर्फ नॉट इसके साथ लगा हुआ है, तो ये नॉट ऑपरेटर नहीं है, ये नॉट इक्वल पढ़ेंगे इसको, नॉट ऑपरेटर अलग है, नॉट इक्वल ऑपरेटर अलग है। तो नॉट इक्वल यहाँ पर ये बात सही है कि ए बी के बराबर नहीं है, तो सही रिजल्ट आएगा, ठीक है। हम चेक की ये कर रहे हैं कि एक वैल्यू दूसरी के बराबर नहीं है, तो नहीं है तो नहीं है, यहाँ तो हमें पता है ना कि नहीं है। अब जब ऐसी वैल्यू है जिसके बारे में पता ही नहीं है, जहाँ पर हमें चेक लगाना हो, जैसे यूज़र से हमने वैल्यू लेनी है, कोई भी यूज़र से दो नंबर ले हम, वो अभी इसमें हम काम करेंगे, यूज़र से हम दो नंबर ले और हमने चेक करना है कि वो दो नंबर बराबर हैं, तो हमने उनको जमा करना है, अदरवाइज नहीं करना, ठीक है। इस तरह के अगर हमने कोई फ्रैक्शन लगानी है तो फिर हम ये लगाएंगे कि अगर सॉरी बराबर कह दिया मैंने कि नॉट इक्वल है तो हमने उसके दरमियान ऑपरेशन करना है, अदरवाइज नहीं करना, ठीक है। तो अगर वो दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे तो काम होगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है।
तो ये आपने नॉट ऑपरेटर नहीं पढ़ना इसको, ये नॉट इक्वल ऑपरेटर है, ये अलग ऑपरेटर है, तो इसलिए इसका रिजल्ट ट्रू है। तो ये ट्रू आ रहा है। देखें अब अगर मैं इसी को ये कर दूं, अब क्या आएगा? सर तो नहीं बैठ रहे भाई, सर अब क्या आएगा? देखे मुस्तफा ने पॉइंट पकड़ा है, ठीक है, क्योंकि मैंने ये कमिट्स के अंदर वैल्यू चेंज की है, रिजल्ट वही रहेगा। अगर मैं चेंज करता वैल्यू यहाँ पर, ये है असल वेरिएबल, ये है हमारा, अगर मैं इसके अंदर चेंज करता तो रिजल्ट नहीं चेंज हो रहा है। तो अब क्या आएगा रिजल्ट? मैं कह रहा हूँ कि ए बी के बराबर नहीं है, जबकि ए और बी की वैल्यू दोनों क्या है, बराबर है। तो अब क्या आएगा? फाल जाएगा रिजल्ट। वो जो मौसम आपने जहन में बात बिठा लिया, वो मैंने कंडीशन की बात की है, मतलब इफ अगर हम लगाते हैं तो, इसलिए आप डीप में ना जाओ, सिर्फ इसी को जहन में रखो, ठीक है। अगर हम उस तरह से जाएंगे तो ना वो कंसेप्ट बिगड़ जाएगा, ठीक है। वो जब हम करेंगे ना प्रैक्टिकली इफ को यूज़ करेंगे तब उसके लिहाज से होगा रिजल्ट। लेकिन यहाँ पर ये है, देखें अगर ए और बी बराबर हैं और हमने नॉट लगाया हुआ है तो रिजल्ट फाल जाएगा, अगर ए और बी बराबर नहीं है हमने नॉट लगाया हुआ तो ट्रू आएगा। ये रखना, ठीक हो गया। तो ये सारे ऑपरेटर हो गए। अभी हैं, ये तो थे रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर है अभी। अब लॉजिकल ऑपरेटर लगाते हैं, इसमें एक और वेरिएबल मैं ले लेता हूँ सी, और उसको मैं थ्री सेट कर देता हूँ, केस आ गया। हाँ जी, यहाँ पर मैं इसको डिक्लेयर भी कर लेता हूँ, कहते हैं बन गई। अब देखें, मैं कहता हूँ कि ए नॉट इक्वल टू बी एंड सी आल्सो नॉट इक्वल टू, ए कर दें या बी कर दें जो आपका दिल करे, ठीक है, ये मैं ये बनाता हूँ। अब यहाँ पर देखें एंड का काम क्या है, वो आपने जहन में रखना है। एंड का काम ये है कि जब दोनों कंडीशनें ट्रू होंगी तो रिजल्ट ट्रू आएगा, अगर दो कंडीशनों में से कोई एक कंडीशन भी फाल होगी तो रिजल्ट फाल जाएगा। तो इसमें सिर्फ एक चीज़ याद रखने वाली है कि अगर दोनों कंडीशनें ट्रू होंगी तो रिजल्ट ट्रू आएगा, अदरवाइज फाल जाएगा, कोई भी सूरत हो जाएगा, ठीक है। तो एक सिचुएशन में ट्रू आएगा। अब यहाँ पर दो कंडीशनें बनाई हुई मैंने, एक ये है एक ये है, पहले ये इवेल्यूएट होगी फिर ये इवेल्यूएट होगी फिर ये कंबाइन हल होगी, ठीक है। तो अब देखें ए नॉट इक्वल टू बी, मैं कह रहा हूँ ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू भी 12 है, बी की वैल्यू भी 12 है। मैं कह रहा हूँ ए नॉट इक्वल टू बी, जबकि वो बराबर हैं तो रिजल्ट इसका क्या आएगा, फाल्स आएगा, फाल्स आएगा। तो इसका हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, फाल्स आ गया। अब हमने इसको देखना है, मैं कह रहा हूँ सी नॉट इक्वल टू ए, अब सी की वैल्यू क्या है, 3 है, तो सी मतलब सिंपल मतलब ये है कि ए के बराबर नहीं है, तो इसका रिजल्ट भी क्या आएगा, इसका रिजल्ट ट्रू में आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम कह रहे हैं सी ए के बराबर नहीं है, तो नहीं है तो ट्रू है। ये दोनों थे बराबर, बराबर होंगे तो फाल जाएगा, नहीं होंगे तो ट्रू आएगा। तो अब इसका मतलब ये कंडीशन फाल है, ये कंडीशन ट्रू है, ठीक है। तो फाल्स और ट्रू क्या आएगा, फाल्स ही आएगा, क्योंकि एंड में मैंने बताया आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रू उस वक्त आएगा जब दोनों ट्रू होंगे, ठीक है। अब अगर हम इसको चलाते हैं तो देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। ये तो हमने अपने समझने के तौर पर किया ना, इसलिए तो सही देना है जब हम इसको चलाएंगे, क्योंकि उसको तो पता है क्या आना है, लेकिन इंसान को नहीं पता, इंसान ने पहले उसको समझना है। तो फाल्स आ रहा है, देखें अब अगर मैं इसकी वैल्यू ज़रा चेंज कर देता हूँ सी वेरिएबल की, फिर देखिएगा फिर इसने क्या करना है, आपने बताना है। इस सी को मैं यहाँ पर ये कर रहा हूँ 12, और यहाँ पर भी मैंने कर दिया 12, तो अब क्या रिजल्ट आएगा, अब ट्रू आएगा, अब ट्रू आएगा,
क्योंकि ये भी ट्रू हो जाएगी और ये भी ट्रू हो जाएगी, ठीक है, बल्कि हाँ ठीक है, ये देखें क्योंकि हमने ये लगाया ए नॉट इक्वल टू बी, जबकि वो दोनों बराबर हैं, ठीक है, तो फाल्स है, वो भी फाल्स है, वो भी फाल्स है, तो नहीं फाल्स ही है, तो जब दोनों ट्रू होंगी तभी आना है, ठीक है। तो असल में पहले गौर नहीं किया तो मैंने ऐसे ही बोल दिया, तो जब मैंने गौर किया तो फिर मैंने बोला कि इस तरह नहीं बल्कि इसका फाल्स ही आएगा, क्योंकि हमने एक ही बात हमने कहा कि याद रखनी है कि ट्रू होंगी दोनों तो ट्रू आएगा, अदरवाइज नहीं आना, फाल्स ही आ रहा है, ठीक है। नॉट हटा दो, नॉट हटा दो तो ये फिर कंडीशन ही नहीं बनती, फिर और ऑपरेटर लगाना पड़ेगा डबल इक्वल, ठीक है। अगर मैं नॉट हटा देता हूँ तो फिर यहाँ पर डबल इक्वल, क्योंकि यहाँ पर अकेले इक्वल का मतलब है असाइनमेंट। तो अब देखें, चलिए आप बताएं अब क्या आएगा, लगा दिया डबल इक्वल मैंने, बहुत सर बताएगा कैसे टू आएगा, अच्छा ए बी के बराबर है तो रिजल्ट इसका क्या आएगा, ट्रू आएगा। सी ए के बराबर है तो इसका भी ट्रू आएगा, तो ट्रू 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 बन जाएगा, ठीक है। तो अब अगर हम इसको चलाते हैं, हो सकता है हम गलत कह रहे हो तो चला के वेरीफाई कर लेते, तो ट्रू ही आ रहा है, ठीक है। तो ये लॉजिकल ऑपरेटर थोड़े हैं इस तरह के। अब हमारा इसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर है कौन सा, और, ठीक है। तो मैं इसी एंड को हटा देता हूँ, यहाँ पर मैं लगाता हूँ और। तो और में क्या है, और में भी, हाँ जी, दो चीज़ों में चॉइस करनी है, हाँ चॉइस करनी है। और इसमें भी एक पॉइंट याद रखना है, दोनों फाल्स होंगी तो रिजल्ट फाल्स आएगा वरना नहीं होगा, उसमें दोनों ट्रू होंगी तो ट्रू आएगा, इसमें दोनों फाल्स होंगी तो फाल्स आएगा, अदरवाइज ट्रू आएगा, सिर्फ ये कंसेप्ट है दोनों में। ये वहाँ पर अगर दोनों कंडीशन है तो ट्रू रिजल्ट आएगा वरना फाल्स ही आएगा, हाँ जी, वो भी एक भी फाल्स होगी तो फाल्स ही आएगा, जबकि इसमें दोनों फाल्स होंगी तो रिजल्ट फाल्स आएगा, अदरवाइज एक भी सही होगी तो सही आएगा, ठीक है। लेफ्ट सही हो जाए राइट सही आए तो रिजल्ट सही ही आएगा। तो इस सूरत में देखें कि क्या आएगा रिजल्ट, दोनों ट्रू है तो ट्रू आएगा सर, क्योंकि सिर्फ मैंने कहा कि जब दोनों फाल्स होंगी तो फाल्स रिजल्ट आएगा, अदरवाइज कोई भी कंडीशन बन जाए तो ट्रू ही आएगा, इनमें से एक भी अगर फाल्स हो फिर भी ट्रू ही आएगा, इसलिए तो मैंने कहा ना सिंपल, देखें दोबारा मैं बोलता हूँ, सिंपल चीज याद रखनी है, एक केस है जिसमें इसका रिजल्ट फाल्स आएगा बाकी सब केसेस में ट्रू आएगा, तो इसलिए आपने उस एक केस को याद रखना है कि जब दोनों कंडीशनें फाल्स होंगी तो ही फाल्स रिजल्ट आएगा, अगर कोई और इसके अलावा चाहे 20 केस बन जाए 30 बन जाए तो वो ट्रू ही आएंगे, ठीक है। तो इसलिए एक केस याद रखना है आपने कि दोनों फाल्स होंगी तो फाल्स आएगा, अदरवाइज चाहे 100 केस भी बन जाए ना वो ट्रू आएंगे, ठीक है, उसका रिजल्ट ट्रू ही आएगा, सिर्फ एक केस में फाल्स आएगा, तो इसलिए सिर्फ हमें एक को याद रखना है ना कि बाकी जितने बनेंगे, अब बाकियों का नहीं पता क्या बनेंगे, ट्रू बनेंगे फाल्स बनेंगे, सॉरी ये कुछ भी बन सकता है लेकिन रिजल्ट ट्रू ही रहेगा, सिर्फ एक काम में पता है कि उसमें फाल्स आएगा बस। अगर इसमें हमने जितने भी केस सर्च किया तो 20 केस हमने ऐड किए, अगर सारे के सारे फाल होंगे तब ट्रू, हाँ जी, मतलब एक भी ट्रू हो गया तो रिजल्ट ट्रू आएगा, ट्रू ही आएगा, हाँ जी, 19 गलत हो एक सही हो तो ये सही करेगा, जबकि लॉजिकली अगर देखी जाए तो बात गलत है, तो इन 19 की मतलब एक राय है और एक की एक राय है तो वो एक को मान रहा है 19 को नहीं मान रहा, इसका मकसद ये है कि कोई भी एक है और कोई भी एक है और अग्री है कोई भी ट्रू फॉल्स मतलब ट्रू वैल्यू आ गई इसके बाद, हाँ जी, ये हमें ट्रू ही है। अगर हम रियल लाइफ में भी देखें तो सिंपल सी बात है यार कि जब या की बात आएगी तो काम चलेगा, क्योंकि चॉइस दे दी है ना, अब हमारी मर्जी है, तो आप कोई मतलब कि दो चीज़ों में से एक चॉइस दी जाए तो आपके लिए सही रहेगा, हाँ अगर आपको दो चॉइसें दी जाती हैं दोनों आपको पसंद ना आए तो वहाँ पर पंगा है, अब तीसरी चॉइस ही नहीं है, आप क्या जिद कर लेंगे मुझे वो तीसरी चीज़ चाहिए, वो तो आपकी एक्सेसिबिलिटी नहीं है, तो यहाँ पर इसलिए ये होगी।
चलें जी, ये आपके पास हो गए दोनों ऑपरेटर्स। अब नाट का तो आपको पता ही है, नाट ने उलट करना होता है, तो इसलिए नॉट से अब यहाँ पर नहीं लगेगा, दरमियान में नहीं लगेगा, ये याद रखिएगा। नॉट पहले लगेगा या बाद में लगेगा, ठीक है? मोस्टली केसेस में पहले ही लगता है, जैसे मैंने पहले लगा के दिखाया है, तो उसके लिए ब्रैकेट लाजमी लगाएंगे। ब्रैकेट का मतलब ये है कि पहले इसको सॉल्व करो बाद में, हाँ जी, पहले इन दोनों, हाँ पहले ये कार कर रहा हो फिर ये वाला कर रहा, ठीक है? तो इस सूरत में देखिए क्या रिजल्ट आएगा फिर। बाकी भी तो बैठे ना, आपको तो पता है, चलो थोड़ा बहुत आपको देख के चलेंगे तो वो फिर देखते ही रहेंगे। मोहसिन साहब बताएं क्या आएगा। सर आप बताएं क्या आएगा। फिर भी वेरीफाई कर लेते हैं, तो फाल्स ही आएगा मेरे ख्याल में। आज के इंटरेस्टिंग कंसेप्ट थे थोड़े, तो मेन कंसेप्ट यही थे। आपका डिवीजन भी हो गई, मॉडुलस या रिमाइंडर भी हो गया, और लॉजिकल ऑपरेटर भी हो गया, ठीक है? होप सो कि आज के लिए इतना ही करें, ये आगे पढ़ना है। सर बोर हो रहे हैं। सर तो बोर ही होते हैं क्योंकि वो सारा वो असल में अपने बिजनेस के बारे में सोचते रहते हैं, क्या कर लूँ अब क्या कर लूँ। नहीं अच्छा है, मतलब आप यहाँ बैठे हैं ना, तो बाहर पता तो चल रहा है ना, तो क्लास हो रही है, उधर गली में बैठ के पता नहीं चलता किसी को, गली में देख के जा रहा है, तो कोई आते ही नहीं है वहाँ पे, कोई आते ही नहीं। हाँ वहाँ पे वही जो गली से गुजरेगा वो जानते हैं, वैसे ही जानते हैं यहाँ पे सजा सा सामने बैठे हैं। नदी ये एंड में रीड की क्यों लिखे हैं ये देखें, अभी मैं इसको कंपाइल करता हूँ। रिजल्ट हैज बीन गॉन, आया आगे चला गया, हमें नहीं पता चला क्या हुआ, क्योंकि ये कंप्यूटर जो है ना नैनो सेकंड्स के अंदर प्रोसेसिंग कर लेते हैं, हमें नहीं पता चलता है, ठीक है? तो क्या हमने क्या करना है कि उस जो कंसोल उसने या जो रिजल्ट उसने प्रोड्यूस किया ना, उस रिजल्ट को हमने अपनी रीडेबिलिटी के लिए थोड़ी देर के लिए रोकना है, क्योंकि हमें भी तो पता चले क्या कर रहे हो, ऐसे खुद किया जाए तो ये जो कंसोल डॉट रीड किया ना, ये इंतज़ार करता है कि जब तक आप कंप्यूटर से कोई की प्रेस ना करें ना, तो जो उसकी रिजल्ट स्क्रीन होती है वो डिसअपीयर नहीं होती। इसका ये काम है सुपर। ये देखें, आप अगर मैं इसको चलाता हूँ, अब रिजल्ट स्क्रीन या क्लोज जो कंसोल स्क्रीन है वो नहीं गई, मौजूद है। कोई भी प्रेस करेंगे की फिर ये खत्म हो, हाँ जी, कोई भी की प्रेस कर दें या फिर इधर से क्लोज कर दें, कीबोर्ड से कोई भी बटन प्रेस कर दें, ये खत्म हो जाएगी। मैं भी सब नहीं है, इसके लिए आप भी जो है
नहीं चल रहा है काट देंगे दरमियान मुझे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है 12 बजे तक जिस टाइम कहेंगे आ जाऊंगा 6 बजे कहेंगे आ जाऊंगा सुबह सुबह में लेना है सुबह में लेना फिर आना है आपने खरीद के बाद से अब जाएंगे तो फिर क्या एक दिन के लिए क्या करेंगे फिर दरमियान में तो बचता ही एक दिन ना मंडे मंगलवार से बुधवार तक नहीं हमारे तो गांव में होता है वहाँ तक चल रहा है जैसे भी चलता है लास्ट टाइम हमारा अपना जानवर था इस दफा मामू का है मतलब अपने रिश्तेदारों का ही होता है वहाँ पर तो जो होता है आप जैसे मतलब के कैसे तय करते हैं अपने मजे पल्ले से जितना भी चलते जैसे अभी पढ़ने लगे हम वैसे भी तो इंशाल्लाह ईद के बाद ही पढ़ेंगे तो अभी देखें कंडीशनल स्ट्रक्चर हम पढ़ने लगे हैं ठीक है कंडीशनल स्ट्रक्चर आज कंप्लीट ही कर लेते हैं जी ईद के बाद आके बोल जाना है कोई नहीं हम दोबारा रिवाइज कर लेंगे जितनी दफ़ा रिवाइज करेंगे मैं करवा दूंगा मकसद हमारा यहाँ पर यार यहाँ हम बैठे ना यहाँ हमारा मकसद है सीखना ठीक है कंडीशनल स्ट्रक्चर में ये होता है कि ये हम यूज़ इसलिए करते हैं कि वैसे जो नॉर्मल प्रोग्रामिंग का फ्लो होता है ना वो होता है लाइन बाय लाइन कि पहले फर्स्ट लाइन होगी फिर दूसरी फिर तीसरी फिर चौथी फिर पांचवी अब बिल्कुल हमारे पास कुछ ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है कि मैंने जो है ना अगर प्रोग्राम की 5 लाइनें लिखी हुई हैं तो 3 और 4 लाइन तो मैंने नहीं चलवाना ठीक है बिल्कुल ऐसी सिचुएशन आती है कि 2 लाइनें दरमियान में से मैंने स्किप करवानी है वो वाला नहीं है क्योंकि एग्जीक्यूट करवाना कोड 3 और 4 नंबर लाइन पे जो लिखा होगा अच्छा तो 1 वाला भी हो जाए 2 वाला भी हो जाए 5 वाला हो फिर 3-4 लाइन वाला कोड एग्जीक्यूट ना हो ठीक है या फिर हम ऐसे भी कहते हैं कोई स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड है उसको हम रन नहीं करना चाहते ठीक है अगर रन करना भी चाहते हैं तो उसके लिए कोई ना कोई हमने क्राइटेरिया रखा हुआ है ठीक है मिसाल के तौर पर कॉलेज की एग्जाम्पल ले लें तो कॉलेज में आप 11वीं क्लास में या 12वीं में कहें जिस क्लास में भी कह लें 11वीं की एग्जाम्पल लेते हैं आप 11वीं में क्लास में उस बच्चे को एडमिशन देना जिसने मैट्रिक की हुई है ठीक है ये कंडीशन लग गई है अब मैट्रिक की होगी तो वो आगे 11वीं क्लास में जाएगा तो इस तरह की कोई सिचुएशन अगर हमने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में लगवानी हो तो वहाँ पर कंडीशनल स्ट्रक्चर काम आता है कि अगर ये कंडीशन है तो आप आ सकते हैं वरना नहीं वरना वो वाली चीज़ स्किप हो जाएगी तो अब देखें आप एक बच्चा आता है 9वीं पढ़े हुआ कहता है 11वीं में मैंने एडमिशन लेना है 2 बच्चे आते हैं अब एक ने मैट्रिक की हुई है तो उसको एडमिशन मिल जाएगा जाहिर सी बात है ठीक है और वो 11वीं क्लास में जो जो करवाया जाता है उसे पता होगा अब जो ना जिसको एडमिशन नहीं मिला उसको नहीं पता होगा इसने 2 साल में क्या किया या क्या पढ़ा तो सेम ऐसे ही प्रोग्रामिंग के अंदर भी जो ब्लॉक हमने कंडीशन की बेस पर एग्जीक्यूट करवाना होता है उसका कंट्रोल को नहीं पता होता कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है उसको तब पता चलता है जब वो उस ब्लॉक में जाता है अदरवाइज़ नहीं पता होता उसको तो इस तरह के लिए हम कंडीशनल स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं तो उसमें 4 किस्म के हैं इफ़ है इफ एल्स है इफ एल्स इफ है और फिर स्विच है ठीक है ये 4 किस्म के कंट्रोल होते हैं या कंडीशनल स्ट्रक्चर्स होते हैं ठीक है तो इफ में ये होता है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन होती है और उसकी भी आप पे कोई एक ही रिजल्ट एग्जीक्यूट होना होता है ठीक है 1 कंडीशन एंड 1 रिजल्ट या आउटपुट आप कह सकते हैं वो हो जबकि इफ एल्स में क्या होता है कंडीशन तो एक होती है लेकिन उसके पॉसिबल आउटकम्स वो भी एक ही होता है लेकिन उसके लिए ऑप्शन 2 होते हैं कि आप 2 में से कोई एक चॉइस कर सकते हैं ठीक है मीन कि अगर हम कहते हैं जैसे कंडीशन फुलफिल होती है तो एडमिशन होगा अदरवाइज नहीं होगा तो जबकि इफ़ है अब इफ़ में अगर आपके पास एडमिशन होता है तो रिज़ल्ट आएगा अगर नहीं होता तो नहीं आएगा रिज़ल्ट नहीं आएगा यहाँ पर इफ़ के अंदर मतलब यहाँ पर अगर आपके पास कंडीशन ट्रू है तो तब तो आपके पास कोई ना कोई काम होता है अदरवाइज़ नहीं होता ठीक है
जबकि इफ़ में अगर आपके पास रिजल्ट ट्रू है या फॉल्स है तो काम होना ही होना होता है। ये अभी हम देखते हैं कैसे, जो इफ है, इफ है, इफ में ये है कि मल्टीपल कंडीशन होती हैं लेकिन उन सब की ब्याह पे रिजल्ट एक ही आना होता है। इफ में क्या होता है कि एक ही कंडीशन होती है और एक ही रिजल्ट आता है। इफ फॉल्स में ये होता है कि कंडीशन तो एक ही होती है, पॉसिबल आउटकम भी एक ही होता है लेकिन च्वाइसेस दो होती हैं। जबकि इफ फॉल्स में क्या होता है कि आउटकम तो एक ही नहीं होती है, च्वाइसेस मल्टीपल होती हैं। ठीक है, अब स्विच, स्विच में भी सेम यही सीन है। इफ फॉल्स और स्विच दोनों सेम काम करते हैं। ठीक है, इनमें डिफरेंस सिर्फ सिंटैक्स का है, लिखने का है। जो स्विच है वो बाज़ जगहों पे स्विच काम आता है, लिखना आसान होता है, और बाज़ जगहों पे इफ एल्स, लेकिन इन दोनों का काम सेम है। इफ में भी कंडीशन एक होती है, च्वाइसेस मल्टीपल होती हैं, आउटपुट एक या नहीं होती है। स्विच के अंदर भी यही होता है, कंडीशन एक होती है और च्वाइसेस मल्टीपल होती हैं, रिजल्ट एक या ना होता है या एक ही च्वाइस को हमें सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, तो अभी हम इनको सिंटैक्स के तौर पर लिख कर देखते हैं। अभी मैं कोई वेरिएबल बनाता हूँ, मार्क्स का बना लेता हूँ, इंट मार्क्स। ठीक है, और यहाँ पर मैंने मार्क्स की वैल्यू सेट कर दी 40। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि अगर मार्क्स 40 हैं तो जो नॉर्मल लाइफ में चलता है, या 33 ले देते हैं कि 33 है तो कोई भी बच्चा स्पेसिफिक सब्जेक्ट के अंदर क्या है, पास है, अदरवाइज फेल है। तो अगर जैसे रियल लाइफ में होता है कि अगर बच्चा पास है या फेल है तो उसको बताना चाहिए। ठीक है, अगर हम उसको नहीं बताते, पास है तो बता देते, अगर फेल है तो नहीं बताते, तो उसमें उसको डाउट रहेगा कि अगर मैं फेल हूँ तो रिजल्ट तो आना चाहिए ना। ऐसे जो ज़बानी कला में बता दिया ऐसे मैं कैसे मानूंगा बाकी हुआ हूँ या नहीं हुआ। तो जो इफ़ है ना वो इसकी ये लिमिटेशन है। अगर मैं कहता हूँ कि इफ़ को लिखने का तरीका ये है कि हम इफ़ का कीवर्ड लिखते हैं। ठीक है, इस तरह से इफ़, उसके बाद ये ब्रैकेट्स लगाते हैं, उसके बाद ये कर्ली ब्रैकेट्स रखते हैं, इसकी बॉडी होती है। अब इस यहाँ पर जो है ना कंडीशन होती है, कंडीशन ये होती है कि अगर मैं कहता हूँ कि इफ मार्क्स वो डबल इक्वल टू 33 है तो मैं क्या कहता हूँ कि स्टूडेंट पास है, कंसोल डॉट राइट लाइन, मेरे सिर्फ मैसेज डिस्प्ले करवाना है पास के, पास हो गए। ठीक है, तो अब इसमें सिर्फ हम इसी तरह से ही लिख सकते हैं। अब देखें मार्क्स वेरिएबल के अंदर हमने क्या वैल्यू स्टोर करवाई हुई है, 33, और हम इसका कंपैरिजन भी किससे कर रहे हैं, 33 से। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, क्या जो मार्क्स के अंदर वैल्यू है वो 33 के बराबर है, बराबर है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, क्या आएगा, हाँ जी ट्रू आएगा, तो पास लिखा हुआ आएगा। आउट रिजल्ट जो है ना वो पास लिखा हुआ आएगा। मैं सर इस नोट के लिखा क्या लिखा है, ये वैसे मैंने लगा दिया, एक्सक्लेमेशन मार्क्स है, जब स्ट्रिंग में लिख दिया तो एक्सक्लेमेशन मार्क्स का काम करेगा, नॉट ऑपरेटर का काम नहीं करेगा। ऑपरेटर का काम तब करेगा जब ये स्ट्रिंग से बाहर है, यहाँ पर मैंने लगा दिया तो तब यहाँ पर नॉट ऑपरेटर का काम करेगा। अगर मैंने स्ट्रिंग के अंदर लिख दिया तो तब ये ना काम नहीं करेगा, तब ये सिंपल करैक्टर ही है। अगर ऐसा मैंने लिख दिया तो तब ये सिंपल करैक्टर है, अब ये ऑपरेटर नहीं है। ठीक है, हाँ नॉट इक्वल क्या करना है आपने, अगर आंसर है नॉट, हाँ अगर इसका पूरे का आंसर बदलना है तो फिर इसके पहले लगाएंगे यहाँ पर, अगर नॉट इक्वल करना है तो यहाँ पर लगाएंगे और ब्रैकेट लगाएंगे आप यहाँ पर, हाँ क्योंकि ये वाली ब्रैकेट जो है ना वो इसके साथ है, कंडीशन इफ की कंडीशन है ये। हाँ जी, अगर आपने इसको बनाना है तो उसके लिए और ब्रैकेट लिखेंगे हम, लगाएंगे। तो अभी हम इसको चलाते हैं, जो समझाना चाह रहा हूँ ना मैं देखते हैं अभी, मैं और बढ़ जाता है। ठीक है सर, आगे थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे। तो अभी आउटपुट देखें पास आ रही है, लेकिन अगर मैं ये करता हूँ कि यहाँ पर 33 की बजाय मैं 31 लिख देता हूँ, चला दें बल्कि चल रहा है, तो अब अगर मैं इसको चलाता हूँ तो देखिएगा क्या आउटपुट आएगी, कुछ भी नहीं आएगी, नहीं वो लिखा तो हुआ हमने, सिर्फ सेकंड ऑप्शन नहीं दिया, हाँ उसका सेकंड ऑप्शन नहीं दिया, वो क्यों नहीं दिया,
हाँ जी डेफिनेशन, हाँ जी इफ के अंदर सेकंड चॉइस नहीं होती, एक ही होती है। मैं तो पहले ही बताया डेफिनेशन में कि सिर्फ और सिर्फ एक ही होगी, अगर ट्रू है तो वो काम होना है, अगर फाल है तो काम नहीं होगा। तो इसलिए देखें पता नहीं चला रहा, हालांकि अगर फेल है तो मैसेज आना चाहिए था कि फेल है, लेकिन इफ के अंदर हम ये काम नहीं कर सकते क्योंकि इफ के अंदर वो ऑप्शन ही नहीं है, वो ऑप्शन है इफ एल्स में या इफ एल्स इफ के अंदर, ठीक है। तो इसलिए सिर्फ इफ में जो है वन कंडीशन और वन आउटपुट ही रहेगी, वो भी ट्रू होने पर होगी, फॉल्स होने पर कुछ भी नहीं आएगा, ये इसकी लिमिटेशन है। अब देखें इसी को मैं क्या करता हूँ इफ एल्स में लिखते हैं, तो यहाँ पर इफ के अंदर सेम कंडीशन में लिखूंगा मार्क्स डबल इक्वल टू 33, तो यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ बार बार लिखने की वजह से, जल्दी जल्दी बना रहे। तो अब अगर ये सही होगी तो पास आएगा, अदरवाइज यहाँ पर हम लगाएंगे एल्स और फिर ये इसी तरह से एल्स की बॉडी आएगी, ठीक है। अब एल्स में भी हम क्या लिखेंगे, मैसेज देंगे कि आप क्या हो गए हैं फेल या फेल, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या मैसेज, यहाँ पर तो कोई आउटपुट नहीं आएगी, यहाँ पर क्या आउटपुट आएगी, पास आएगा तो मार्क्स काम करते हैं, पास नहीं आएगा फेल आएगा। गौर करें ना मैंने मार्क्स की वैल्यू क्या सेट की हुई है, 31 सेट की हुई है, जब 31 सेट की हुई है तो मार्क्स इक्वल टू 33 नहीं होगा, तो नहीं होगा तो ये ब्लॉक स्किप हो जाएगा। जैसे मैंने बताया पहले भी कि जो है कंडीशनल स्ट्रक्चर हमारे पास किसी भी स्पेसिफिक ब्लॉक को स्किप करने के लिए यूज होता है। तो अब देखें इस ब्लॉक के अंदर अभी तो एक स्टेटमेंट है ना, तो चाहे 10-20 लिखी होती तो भी वो नहीं चलनी थी क्योंकि अब ये ब्लॉक चलेगा, ठीक है। तो इस ब्लॉक के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट होंगी। अभी अगर मैं चलाता हूँ इसको तो फेल लिखा हुआ है, तो फेल लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि वो कंडीशन सेटिस्फाई ही नहीं हुई। अच्छा अभी आप लोगों ने बताना है, मैं इसकी वैल्यू चेंज करने लगा हूँ दोबारा 33 ले दिए, तो अब क्या आउटपुट आएगी, कितनी दफा पास आएगा, एक दफा आएगा, दो दफा आएगा, तीन दफा आएगा, कैसे आएगा दो दफा, मतलब पहली कंडीशन भी आप पास में लगाई गई है दूसरी जगह गया, अगर वहां पहले से पहली कंडीशन लगाते तो मतलब एक बार आना था, दो यूज हो रहे हैं, इफ भी हो रही है एल्स भी यूज हो रही है, इस वजह से दो मतलब पास है। आप क्या कहते हैं, अच्छा हाँ जी, तो हमने इफ भी लगाया हुआ है और इफ एल्स भी लगाया हुआ है, तो पहला पास जो है वो तो इफ से आएगा, दूसरा पास जो है वो इफ एल्स से आएगा क्योंकि वहाँ पर भी वो सही है, दोनों कंडीशन मतलब ये कंडीशन भी ट्रू है, ये कंडीशन भी ट्रू है, जो लिखो कंसोल राइट करें फिर ये अब ये नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि जब ये सही हो गया ना तो फिर ये वाला कोड चलेगा, एल्स वाला नहीं चलेगा। अगर हाँ कंडीशन ट्रू होगी, ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला चलेगा, कंडीशन फॉल्स होगी तो ये वाला चलेगा, ये काम है इफ एल्स, सही तो इफ वाला काम करो, फॉल्स तो एल्स वाला काम करो, पहली कंडीशन ट्रू होने की सूरत में सेकंड कंडीशन जो है फॉल्स होगी। हाँ कंडीशन नहीं कहेंगे इसको, चॉइस कहेंगे, क्योंकि कंडीशन तो सिर्फ हमारे पास एक ही है, ये इस कंडीशन की बिहाफ पे अगर ये ट्रू है तो ये चॉइस, अगर फॉल्स है तो ये चॉइस, ठीक है। अभी हम चलाते तो दो दफा फॉल्स लिखा हुआ आएगा, अभी मैं आप लोगों को एक और कंसेप्ट भी बताता हूँ, ठीक है। तो ये पास्ट है, अभी मैं क्या करता हूँ इसकी बॉडी हटा देता हूँ, यहाँ से भी इसकी बॉडी हटा देता हूँ, ठीक है। अब मैंने इसके साथ ना दो जो है ना स्टेटमेंट्स लिखनी है, एक तो मैंने लिखने पास हो गए और दूसरा मैंने ये लिखना है कि एडमिशन ग्रांटेड टू नेक्स्ट क्लास, ठीक है। अगर वो पास होता है तो साथ में हमें ये भी बताना है कि आपको एडमिशन मिलेगा नेक्स्ट क्लास में, दो स्टेटमेंट मैंने लगा दिए, ठीक है। यहाँ पर एरर दे रहे हैं, यहाँ पर एरर हो रही है, इसको जरा मैं स्किप करता हूँ अभी के लिए, अभी के लिए स्किप करता हूँ, फिर लिखते हैं इसका।
तो ये देखें, अब अगर मैं इसको चलाता हूँ तो क्या आउटपुट आएगी इसकी? दोनों लाइनें आएगी, ठीक है? आप तीनों मत फिक्र, दोनों लाइनें आएगी, ठीक है? तो चला के देखते हैं कि तीनों दोनों लाइनें आएंगी या नहीं आएंगी। ठीक है, दोनों लाइनें ही आ रही हैं। असल में यहाँ चीज़ जो मैं बता रहा था ना, वो ये बता रहा था कि जो हमने इसकी बॉडी लगाई हुई थी ना, पहले बॉडी ब्रैकेट्स लगाई हुई थी, वो ब्रैकेट्स का इस्तेमाल आपने लाजमी करना है, ठीक है? इस तरह से ब्रैकेट हटा के काम नहीं करना, उससे क्या होगा कि स्पेसिफिक ब्लॉक जो है ना उसकी रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी। अब यहाँ तक नहीं पता चल रहा कि आया कि ये वाली लाइन जो है ये इसके साथ इसका हिस्सा है या नहीं है। अब आउटपुट के तौर पर तो दोनों आ गई, लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये जो लाइन है ये सिर्फ इसके साथ है, ये वाली लाइन इसके साथ नहीं है, ये वाली लाइन जो है प्रोग्राम के नॉर्मल फ्लो में आ रही है, ठीक है? हाँ जी, ये चीज़ बताना मकसद था। अभी देखिए मैं यहाँ पर अगर इसको, लेकिन खैर इसमें तो नहीं चलेगा क्योंकि मैं अगर यहाँ पर लाइन हटा भी देता हूँ, चला के देखते हैं। इसकी कंडीशन के बाद उसने नेक्स्ट ही उठाया। हाँ जी, तो बस वर्ण यहाँ पे ये बता रहा हूँ सर कि फर्स्ट वन लाइन जो होगी वो इफ के साथ कंसीडर होगी, जो नेक्स्ट लाइन होगी वो प्रोग्राम के नॉर्मल फ्लो के साथ है, ठीक है? मीन के ये वाली कंडीशन अगर ट्रू, अच्छा चले अभी वाजे हो जाएगा, मैं इसको ज़रा कर देता हूँ 31। तो अब बताएं क्या रिजल्ट आएगा? हाँ जी, ये अभी आप बता रहे थे ना कि नहीं है, वो खाली आएगा, ठीक है? आपका भी शायद यही पॉइंट ऑफ व्यू होता, मुस्तफ़ा साहब को थोड़ा कहते ना इस वजह से। अब इसका सिर्फ ये जो है ना एडमिशन ग्रांटेड टू नेक्स्ट क्लास, ये वाला आउटपुट आएगी, राइट लाइन वाला जो पास लिखा हुआ हमें वो नहीं आएगा। देखिए अभी मैं चला के दिखाता हूँ, फिर मैं बताता हूँ क्यों नहीं आएगा, जो चीज़ असल में मैं बताना भी चाह रहा हूँ किसी तरीके से क्लियर हो जाए। अभी चलाते हैं इसको, अब देखें क्या आ रहा है। एडमिशन ग्रांटेड टू नेक्स्ट क्लास पास्ट नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि इफ़ के साथ सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटमेंट कंसीडर होगी, अगर हमने बॉडी नहीं लगाई तो, जो नेक्स्ट होगी वो प्रोग्राम के नॉर्मल फ्लो में। नॉर्मल फ्लो में कैसे? मैंने बताया कि लाइन बाय लाइन प्रोग्राम में चलना है, तो वो वाली लाइन तो स्किप हुई लेकिन अगली नहीं होगी स्किप, क्योंकि अगली उसके साथ नहीं है, अगली वैसे आ रही है प्रोग्राम के नॉर्मल फ्लो में। अगर ये ब्रैकेट के अंदर आ, हाँ अगर ये दोनों ब्रैकेट के अंदर होती तो ये स्किप हो जाती, दोनों दोनों स्किप हो जाती। ये अभी मैं लगाता हूँ ब्रैकेट, तो फिर दोनों स्किप हो जाएंगे, क्योंकि जहाँ तक ये बॉडी जाएगी वहाँ तक ये इफ़ कंसीडर होगी, ठीक है? वहाँ तक ये इफ़ कंसीडर होगी, अभी कोई भी आउटपुट नहीं आएगी, नीला आउटपुट आएगी। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, इसीलिए बॉडी लाजमी लगाएंगे। आप रियल में समझ रहे होंगे कि अगर बॉडी नहीं लगाई तो जितनी भी स्टेटमेंट लगेंगी वो इफ़ का हिस्सा है, जबकि वो इफ़ का हिस्सा नहीं होगी, सिर्फ इफ़ का हिस्सा पहली स्टेटमेंट होगी, पहली स्टेटमेंट जो भी होगी, बाकी लाजमी है बॉडी लगाना। इफ एल्स के साथ भी सेम यही सीन है, तो उसमें तो इसने क्या किया था, फौरन बता दिया था इंटेलिजेंस है उसके अंदर कि एरर आ रही थी, कि आप अगर इसकी बॉडी के अंदर है, अभी मैं यहाँ पर दोबारा लगा रहा हूँ, तो ये देखिए एरर दे रहा है, ठीक है? वो इसलिए कह रहा है कि यहाँ पर इसकी बॉडी, क्योंकि ये वाली स्टेटमेंट इसके साथ कंसीडर होगी लेकिन ये उसके साथ कंसीडर नहीं होगी, जब नहीं होगी तो ये प्रोग्राम के नॉर्मल फ्लो में भी नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि ये इफ के अंदर है, तो इसलिए ये हाँ जी, तो इसलिए एरर दे रहा है। तो यहाँ पर भी आपने बॉडी लाजमी लगानी है, जब एक से ज़्यादा स्टेटमेंट होगी, एक स्टेटमेंट होगी तो फिर लगाएं या ना लगाएं तो कोई मसला नहीं, लेकिन चाहे एक हो जाए दो हो तो आपने लाजमी लगाना है ताकि एरर ना आए। तो अब देखें, अब आउटपुट क्या आएगी? फेल आएगी, वन टाइम ही आएगी, क्योंकि कंडीशन खराब है हमारे पास, फेल आ रहा है, और ये भी इफ एल्स से आया है यहाँ से। अब तो देखिएगा, अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ तो अब आपने आउटपुट बतानी है कि क्या आएगी, दो बार आएगा, क्या दो बार आएगा वो बताना है आपने।
क्या दो बार आएगा? हाँ, ये दोनों दो दो दफ़ा आएंगे, ठीक है, क्योंकि एक दफ़ा इस इफ से आएगा, एक दफ़ा इस इफ एल से आएगा, तो ये टोटल फोर लाइंस की आउटपुट हमारे पास आएगी। ओके जी, तो ये होप सो क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं और आगे हमारे पास इफ एल इफ। अब यहाँ पर सिंपल सा हम फार्मूला लगाएंगे, एक यहाँ पर डाटा टाइप भी मैं ज़रा चेंज कर रहा हूँ, करेक्टर लेके आ रहा हूँ, ठीक है, चार सी एच, ठीक है। अब इस सी एच के अंदर मैं यहाँ पर असल में हम बनाने जा रहे हैं ग्रेडिंग सिस्टम जो होता है स्टूडेंट का, वो कि अगर मार्क्स की रेंज यहाँ से यहाँ तक है तो ए ग्रेड आएगा, यहाँ से यहाँ तक है तो बी ग्रेड आएगा, यहाँ से यहाँ तक है तो सी, यहाँ से यहाँ तक है तो डी, ठीक है। तो अच्छा चले, यहाँ पर अभी इसकी सेंस नहीं बनती, इसको हटाते हैं, मार्क्स के साथ ही हम खेलते हैं जो हमने मार्क्स का वेरिएबल पर बनाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम चेक करते हैं कि इफ कौन सा, वो मैंने अभी इसको कंप्लीट नहीं लिखा था ना, सिंटैक्स एरर था और इसको खाली छोड़ा है, ये देखें एम्प्टी करैक्टर लिटरल, ठीक है, एक तो खाली छोड़ा है, दूसरा अभी तक सिंटैक्स मैंने फॉलो नहीं किया था, इस वजह से एरर दे रहा था। अच्छा, इसकी सेंस इस वजह से अभी फिलहाल नहीं बन रही क्योंकि हमें मार्क्स का वेरिएबल चाहिए और मार्क्स हमने लिया हुआ है, जो हमने ग्रेड डिस्प्ले करवाने हैं वो तो वैसे हमने मैसेज के अंदर डिस्प्ले करवा सकते हैं, ठीक है, डबल कोट्स के अंदर लिख के। तो ग्रेड का आप बताएंगे सर फार्मूला, मुझे तो नहीं पता कि अगर ए ग्रेड कहाँ से शुरू होता है, अगर मार्क्स हमारे पास हैं नाइन्टी प्लस, मतलब ग्रेटर देन आर इक्वल टू 90, यही बनेगा ना प्लस का मतलब, 90 या 90 से ऊपर हो तो ग्रेड आएगा हमारे पास ए। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे सिंपली कंसोल डॉट राइट लाइन, ए ग्रेड, ठीक है, ये हम ऐसे लिख सकते हैं स्ट्रिंग में, इसलिए मैंने वो करेक्टर को ख़त्म कर दिया जो मैं बनाने जा रहा था। फिर एल्स लिखेंगे क्योंकि ये इल्स सॉरी एल्स इफ एल्स है, तो यहाँ पर एल्स का दोबारा इफ आएगा, जहाँ तक ग्रेड हमने बनाने हैं वहाँ तक हम ये चलाते जाएंगे सीक्वेंस। अब इफ के अंदर दोबारा हम लगाएंगे कि अब मार्क्स, अब दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, अब जो बी ग्रेड है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, अभी 90 ग्रेटर देन, अगर 90 से कम हो और 80 से ऊपर हो तो बी ग्रेड देंगे, ठीक है, ऐसे होता सर, ठीक है। तो हम यहाँ पर कहते हैं ग्रेटर देन आर इक्वल टू 80 और यहाँ पर एंड लगाएंगे, एंड देखिए 90 से ज़्यादा होंगे तो ये होंगे, ये लेस देन 70 और 80 के दरमियान रहेंगे, तो ऐसे ना 70 और 80 के दरमियान रहेंगे, देखिए अगर 71 से भी बढ़ गया तो क्या ग्रेड रहेगा, बी ग्रेड रहेगा ना, देखो क्योंकि सर को पता ना ग्रेड रहेगा, देखें ग्रेड का क्राइटेरिया कुछ और होता है, देखिए 90 से ज़्यादा है तो हो गया ना कि वो ए ग्रेड है। अब दो कंडीशनें रहेंगी, एक रेंज होगी उस रेंज के दरमियान ग्रेड आएगा, मिसाल के तौर पर 70 और 80 के तक अगर मार्क्स हैं किसी स्टूडेंट के तो वहाँ पर बी ग्रेड आएगा, ऐसे ना सर, कि अगर 70 और 80 के दरमियान तक रहते हैं, क्योंकि देखें अगर 80 से बढ़ गया तो वो तो ए ग्रेड है ही है, अब 80 से लेस तो 60 भी है, अब 80 से लेस तो ए ग्रेड जो है वो 89 तक है, 89 ले लें हम, यहाँ पर 89 लगा लेते हैं, 89 से शुरू होता है ये, आप कह रहे हैं 89 तक वो ठीक है, ये 90 आ गया तो ए ग्रेड बन गया, अच्छा अब मतलब कि 80 से हम कहें कि ग्रेटर है और लेस देन 89 है तो बी ग्रेड रहेगा, ऐसे ही है ना, तो यहाँ पर एंड लगा दिया हमने और यहाँ पर हमने कह दिया कि मार्क्स लेस देन 89 है, ठीक है। देखिए यहाँ पर बॉडी लगाते हैं इसकी, इस वजह से ज़रा
अच्छा यहाँ पर मार्क्स भी नहीं लिखे हमने, इसकी वजह से भी एरर आ रहा है। तो अब देखें, अगर मार्क्स हमारे पास ग्रेटर देन 80 है और लेस देन 89 है, मतलब 80 और 89 के दरमियान है, तो बी ग्रेड रहेगा, क्योंकि अगर इससे बढ़ गया तो वो तो ऑलरेडी हमने कह दिया कि वो कौन सा ग्रेड होगा, ए ग्रेड होगा। तो यहाँ पर सिंपली हम क्या कहेंगे, यहाँ से उठा के छोटा गार्ड लाइन हम यहाँ पर कह देंगे बी ग्रेड। तो अब इसी को मैं ज़रा कॉपी कर रहा हूँ, लिखना तो हमने वैसे ही है, तो अब यहाँ पर नीचे भी लिख सकते हैं। अब अगली कंडीशन रहेगी वो हमारी 70 से 79, तो यहाँ पर होगा। वैसे ये क्राइटेरिया तो खैर नहीं लग रहा मुझे, लेकिन हम बना लेते हैं, कोई नहीं, कौन सा हम प्रैक्टिकल करने लगे, हमने जस्ट अपना ये इसको ही वेरीफाई करना कि ये काम करिए नहीं। तो 70-79 से सी ग्रेड हो गया, फिर जो है हमारे पास 60 और 69 तक रहेगा डी ग्रेड, और 50 से 59 तक रहेगा ई ग्रेड, और अब इसके बाद कोई ग्रेड नहीं होता, इसके बाद फेल होता है, ठीक है। ई के बाद वैसे एफ करना होगा जी सर, ई के बाद वैसे एफ करना होगा, हाँ वो एफ, एफ का मतलब फेल, ठीक है। तो इसलिए हम वो एफ ग्रेड नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर फेल लिखेंगे, इसका मतलब अब हमारे पास एल जाएगा सिर्फ, क्योंकि इफ एल्स इफ के अंदर हर इफ का एल्स लाजमी होता है। मैं बताता हूँ कैसे, ये देखें कहाँ से शुरू किया हमने, यहाँ से शुरू किया ग्रेडिंग, यहाँ से शुरू किया, इस इफ का ये एल्स है, 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 ये इफ तो है, अब इसका एल्स आएगा, ठीक है, क्योंकि कंडीशनें नहीं रहेगी अब, मजीद कोई कंडीशन नहीं है, जब मजीद कंडीशन नहीं है तो फिर एल्स आएगा इफ का। तो एल्स में हम लिख देंगे सिंपली सिंपली काका कर जाओ तुम फेल हो, कंसोल डॉट लिख दूँ और नहीं, इस तरह से नहीं होता, 33 से लेस देन फेल कैसे आएगा, अब ग्रेडिंग जो क्राइटेरिया होता है ना वो ये होता है, हमने उसको फॉलो करना है, ठीक है। वैसे हम लिख सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन वो सेंस नहीं बनती, फिर इफ का यूज़ भी नहीं बनता वो तो अगर 33 से लेस देन फेल करवाना था तो वो तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो वहाँ लिख देते, फिर इतनी स्टेटमेंट लिखने की क्या ज़रूरत थी, ठीक है। तो जो सिक्वेंस बनता है वो हमने करना है। अब देखें मार्क्स हमारे पास क्या है, 33 है, तो अब इसमें से आउटपुट क्या आएगी, फेल आनी चाहिए। तो वेरीफाई करते हैं, इससे पहले वाली चीज़ें मैं ये ज़रा कमेंट कर देता हूँ ताकि ये वाला रिज़ल्ट हमें डिस्टर्ब ना करे। ये मल्टी लाइन कमेंट है, ठीक है, तो इसको चलाते हैं। ले लिया, अब मैं वैल्यू चेंज करता हूँ और आप लोगों ने बताना है ग्रेड क्या है। क्या रखा था? ई ग्रेड आएगा, 50 के बराबर है, 59 से लेस भी है, तो ई ग्रेड आएगा। अब हम चलाते हैं इस तरह, मुसा साहब अटेंटिवली देखना, फेल नहीं आएगा। ई ग्रेड है, ठीक हो गया, क्यों, क्योंकि 50 जो है ना वो 50 के बराबर भी है और 59 से छोटा भी है, तो ज़रा आप बताना कि क्या आएगा। बी ग्रेड आएगा, ठीक है, अब तो सिर्फ उसकी बात है, पता चल भी गया। चलो मैं ये लिख देता हूँ 95 ए ग्रेड आएगा, वेरीफाई कर लेते हैं कि ये आता है या नहीं आता।
ठीक है भैया। अब इसका इस्तेमाल कहाँ पे आएगा, देखें हम असल में बनाना सीख रहे हैं डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर बनाना। अब कोई स्कूल वाला आपको कहता है हमें सॉफ्टवेयर बना दे, हमें रिजल्ट वगैरह भी बनाने, सारा कुछ ग्रेडिंग भी हो, तो वहाँ पर ये काम आएगी फैल्स। आप हर स्टूडेंट के लिए ले लेंगे, मार्क्स लेंगे, फिर ये लगाएंगे बैक पे, कैसे लगाएंगे वो अलग बात है, लेकिन ये लगेगा, ठीक है। तो वहाँ पर अब हर बच्चे का आप लगाते बेटे वो मुश्किल होता है। हम एक दफ़ा लिख देते हैं, सारे स्टूडेंट के मार्क्स आते हैं, ये ऑटोमेटिकली उनका ग्रेड बताता जाता है। फेल होगा तो फेल करता जाएगा, वरना पास करता जाएगा, या जो भी ग्रेड बनेगा वो देता जाएगा ऑटोमेटिकली। इसी स्कूल का सिस्टम है, सब्जेक्ट बताएगा, हाँ एक सब्जेक्ट उसका ग्रेड बताता जाएगा। अगर आपने टोटल ओवरऑल बताना तो ओवरऑल भी बता सकते हैं कि सबकी एवरेज ले उसकी ग्रेड बता दें, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया जी, ठीक है। इफ एल्स मतलब समझना, हमारे पास इफ एल्स इफ था। इसके साथ रिलेटेड मिलते जुलते प्रोग्राम हम खुद प्रैक्टिस के तौर पर बना सकते हैं, वो ये कि आपने क्या करना है, एक वीक डे नंबर सेट कर लेना है। जैसे हमारे पास 7 दिन होते हैं, पहला दिन हम किसको कंसीडर करते हैं, हमारा वीक जो है सोमवार से शुरू होता है, ठीक है। तो मंडे पहला दिन है, इसी तरह से चलते जाएँ तो संडे आखिरी दिन है 7वां, ठीक है। तो अब कोई नंबर ले लें, उस नंबर की कोई वैल्यू सेट कर लें, ठीक है। मिसाल के तौर पर कोई नंबर लें, उसकी 3 वैल्यू सेट कर लें, कंडीशनें सारी बना लें कि अगर वो नंबर 1 के इक्वल होगा तो मंडे डिस्प्ले स्क्रीन पर आए, 2 होगा तो ट्यूजडे आए, 3 होगा तो वेडनेसडे, इस तरह से ये वाला प्रोग्राम भी आप बना सकते हैं। दूसरा, आप मौसम की सूरत हाल बता सकते हैं इससे। मिसाल के तौर पर आप टेम्परेचर लें और टेम्परेचर की भी आप बताएँ कि, क्योंकि टेम्परेचर आपको पता है कि अगर यहाँ से यहाँ तक हो तो गर्मी होगी, यहाँ से यहाँ तक हो तो नॉर्मल होगा, यहाँ से यहाँ तक हो तो सर्दी होगी, तो उसमें भी इफ एज इफ काम आएगा। हाँ, थर्मामीटर के तौर पर क्या लें, तो उसके लिए फीवर सिस्टम वाला बना सकते हैं, बताना है कि बुखार है या नहीं है, तो वो भी इफ एंड इफ में बनेगा, ठीक है। यूज़र से आप टेम्परेचर ले लें कि उसका क्या है, फिर उसकी भी आप बता दें। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं क्लास ले रहा हूँ 8 से 9 वाली, बस आ रहा हूँ इधर करियर मुस्तफा साहब। थक गए आप भी, आखिरी है वो हम कर लें, फिर हम छुट्टी ही करते हैं, ठीक है। सारे भी करवा रही हैं, वो स्विच है, स्विच में भी हम सेम यही काम करने लगे हैं, ठीक है। तो स्विच का, स्विच के लिए हम सिंपली ये स्विच का कीवर्ड लिखते हैं, इसको एक वेरिएबल पास करते हैं जिसको हमने चेक करना होता है, जैसे मार्क्स है, वो मार्क्स हमने इसको पास कर दिया, ठीक है। उसके बाद इसकी बॉडी आती है, इसकी बॉडी के अंदर हमारे पास आते हैं केसेस, केस का वर्ड लिखते हैं हम केस। अब केस ये है कि हमने क्या किया, जो मार्क्स हैं वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 90 हैं तो हम मैसेज क्या देंगे, ए ग्रेड, ठीक है। क्या सर, हाँ पर 90 के बाद इसका सिंटैक्स ऐसे होता है, इस केस को छोड़े, ये केस बाद में करेंगे। यहाँ पर वीक का नंबर वाला करते हैं, यहाँ पर मैं दोबारा वेरिएबल बनाता हूँ
एन एम बना लेता हूँ और इस एन को वैल्यू मैं सेट करता हूँ वन, ठीक है। तो वीक डे नंबर वाला मैं आप लोगों को बता रहा था ना, वो हम यहाँ पर करते हैं। इसके साथ ग्रेडिंग वाली थोड़ी बिहेवियर में रिफ्लम चेंज है सिचुएशन, वो बाद में देख लेंगे। अब अगर केस वन है तो मैंने जैसे आपको पहले बताया कि हम कहेंगे क्या होगा मंडे। अच्छा, इसका सिंटैक्स ये है कि आप स्विच लिखते हैं, स्विच के बाद ब्रैकेट लगाते हैं, ब्रैकेट के अंदर वो वैल्यू लिखते हैं या वेरिएबल लिखते हैं जिसको टेस्ट करना होता है, फिर ब्रैकेट लगाते हैं, ब्रैकेट के अंदर ये केस का वर्ड लिखते हैं, केस का वर्ड लिखने के बाद वो वैल्यू लिखते हैं जिसके साथ आपने कंपैरिजन करवाना होता है, जैसे ये कंपैरिजन हमने करवाया, ठीक है। तो वैल्यू यहाँ पर फिलहाल मैं वन लिख रहा हूँ कि अगर वो यहाँ से वन आया तो इसको कंपेयर करेगा कि क्या वन वन के बराबर है, अगर बराबर है तो ये एग्जीक्यूट कर देगा, स्टेटमेंट आएगी। स्टेटमेंट होने के बाद ये ब्रेक का कीवर्ड लिखते हैं। ब्रेक का कीवर्ड क्या करता है कि अगर ये केस मैच हो गया तो फाल इसको ब्रेक कर दे, बाकियों को ना चलाए, क्योंकि अभी हमारे सात केस बनने हैं, ठीक है। क्योंकि अभी तो हमने ये पहला केस लगाया, अब दूसरा केस आएगा जिसमें हम क्या करेंगे, कौन सा डे आएगा, ट्यूसडे, फिर यही ब्रेक लगेगा, सेम यही चीज़ आएगी, फिर तीसरे पे क्या आएगा, ठीक है। अभी अगले ब्रेक केस में क्या आएगा, फोर पे, इसके बाद पांचवें केस पे क्या आएगा कि फ्राइडे, सिक्स केस पे क्या आएगा, सैटरडे, और सातवें केस पे आएगा कल का दिन। अच्छा, कल का दिन है संडे। अच्छा, आप अगर इसमें से कोई नंबर नहीं होता, नौ आ जाता है, वीक डेज तो फिक्स है ना, सात तक होते हैं, आठवां आ जाता, नौवां आ जाता, फिर क्या करेंगे, तो फिर कोई ना कोई आउटपुट आनी चाहिए ना, तो उसके लिए इसमें होता है डिफॉल्ट केस। और इसमें बता देते हैं हम के जो भी मैसेज आपको मुनासिब लगे वो हम दे देते हैं, मिसाल के तौर पर वैलिड वीक नंबर, लास्टली में भी आपने ब्रेक लगाने वाला, ठीक है। अब ये ब्रेक, अब देखें यहाँ पर इसकी वैल्यू हमने क्या सेट की हुई है, वन, तो कौन सा दिन आएगा, मंडे आएगा, वहाँ पे ए ग्रेड आया, यहाँ पर मंडे आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी वैल्यू ज़रा सेट करता हूँ 10, अब क्या आएगा, इनवैलिड आएगा, क्योंकि कोई भी ब्लॉक मैच नहीं होगा तो ये बताएगा कि इनवैलिड है। ये सेम डिफ़ॉल्ट वैसे ही है जैसे कि हर इफ का एल्ज होगा, तो यहाँ पर भी हर केस का कोई ना कोई आपके पास जो है रिजल्ट केस होगा, तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट है इसका। तो यहाँ पर आप ये भी कर सकते हैं कि उलट काम, जैसे यूज़र से ग्रेड ले लें और उसके भी आप पे बताएं कि आप रिमार्क्स दें कि एवरेज है, गुड है, वेल है या ग्रेट है, इस तरह के रिमार्क्स भी हम बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू ग्रेड, ठीक है। कि मिसाल के तौर पर ग्रेड अगर ए आता है रिमार्क्स देने हैं तो वेरी गुड, अगर ए ग्रेड है तो बी है तो हम कहते हैं गुड या एक्सीलेंट, तो अगर ई है या सी है या डी है तो फिर हम कहते हैं बस क्या सेटिस्फाई है, या इस तरह के जो रिमार्क्स बनाने होते हैं वो भी हम इस तरह बना सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि आप जो सिस्टम बनाने चाह रहे हैं उस यूज़र की रिक्वायरमेंट क्या है। फिर जब उसकी रिक्वायरमेंट आप पूछेंगे तो रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप खुद फैसला करेंगे कि इस पर क्या लगेगा, मैं क्या चीज़ लगाऊँ, इंक लगाऊँ, इंक पेन लगाऊँ, स्विच लगाऊँ तो रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो वो खुद रिजल्ट करना होता है, इसलिए आपको पहले लैंग्वेज आती हो, यूज़र की रिक्वायरमेंट के मुताबिक सॉफ्टवेयर तो बाद की बात है, ठीक है। तो एंड ऑफ द लेक्चर, कुछ पूछना तो पूछ सकते हैं।